ठीक है बाबू कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हमारी पार्टी हमारी पार्टी पानी से भरो, हमारी पार्टी पानी से भरो, हमारी पार्टी पानी से भरो, पूरी बनाओ। अरे आ गया हो ना महिला शक्ति घंटे का कार्य बहिष्कार था और ये मजबूरन करना पड़ा। पिछले 6 महीने से हमारी मांगे थी कि पीने का पानी दिया जाए, लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो देने की बजाय तो अभी नहाने का पानी भी नहीं आ रहा। सुबह टॉयलेट जाने के लिए पानी नहीं है। जहां आप पीछे देख सकते हो हॉस्टल में फुहारे चल रहे हैं और हॉस्टल में ये कंडीशन हो रही है कि या तो टैंकरों से पानी आ रहा है या प्रशासन टैंकर गिरवा रहा है, तो मिनिमम 5-6 टैंकर गिरवा रहा है। 5-6 मंजिला हॉस्टल है, उसके लिए 5-6 टैंकर आते हैं। वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी मेरे फ़ोन करने से, या वो गिरवाता है गिरवाता नहीं तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये लगातार बाद में करवा देंगे। ऐसे करते करते नहाने और पीने पानी से इतना मतलब जूझ रहे हैं कि या तो बिना नहाए आना पड़ता है या हॉस्पिटल में आके अपने दैनिक दिनचर्या वो करनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि पीने के पानी की व्यवस्था है नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आरओ लगा हुआ है, कागजों में लगा हुआ है, लिफ्ट भी है, वो कागजों में चल रही है, उनका मेंटेनेंस भी चल रहा है, लेकिन वो धरातल पर बिल्कुल जीरो है, ना तो वो चल रही है ना उनका काम। अब 2 दिन में अगर नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? अभी आज और कल का हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कहा है, और यदि आज कोई मीटिंग होती है या आज हमारा कोई समाधान निकल जाता है या काम शुरू हो जाता है, जो पॉजिटिवली शुरू हो जाता है कोई काम, तो हो सकता है हम कल शाम को आरडी मीटिंग के बाद हम कल का रखें नहीं रखें वो शाम को डिसाइड होगा। नहीं होता है नहीं होता है तो कल का रहेगा, फिर परसों से अनिश्चितकाल हड़ताल। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेंद्र फगेड़िया, आरडी प्रेसिडेंट जोधपुर।